प्रदेश में कल कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे अधिक हनुमानगढ़ में 8, जयपुर और बीकानेर में 7-7, श्रीगंगानगर और उदयपुर में 2-2 व चित्तौड़गढ़ में 1 मामला शामिल है। वहीं CMHO जयपुर डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि ओमिक्रॉन के भी 17 केस आ चुके हैं, जो चिकित्सकों की निगरानी में है। जयपुर जिले में भी प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर करीब 4,000 टेस्टिंग की जा रही है। कोरोना के जो संक्रमण है, इसके बीच में जो ओमिक्रॉन के संक्रमित पेशेंट मिले हैं, उन पहले 9 केस पॉजिटिव ओमिक्रॉन पाए गए थे। उन्हीं के घर से 4 और संक्रमित जो कॉन्टैक्ट और संक्रमित 13 संख्या पहुंची। उसी परिवार से शादी समारोह के अंदर शामिल हुए जो लोग अजीतगढ़ के थे, उनके भी टेस्ट कराए गए थे, 3 पॉजिटिव आए थे, वो भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। यूक्रेन से जो लेडी यहाँ पर आई थी, टेस्ट हमने किया था एयरपोर्ट पर, सीधे RUHS में अस्पताल में शिफ्ट किया था उनको, वो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई गई थी। इस बार से हमारे पास टोटल 17 केस हमारे पास अब तक पॉजिटिव ओमिक्रॉन के आ चुके हैं। सभी लोगों के कोई सिम्टम नहीं है, सभी एसिम्टोमेटिक हैं, और लगभग सभी लोगों को हमने 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इंस्टीट्यूट से घर पर शिफ्ट भी कर दिया है। तो सभी लोग को घर पर आइसोलेट किया हुआ है, सभी चिकित्सा निगरानी के अंदर हैं। हमारी टीम जाकर उनका रोज उनकी जानकारी प्राप्त करती है। लगभग 4,000 से ऊपर सैंपल रोज हम कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं रोज सभी जगह के, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अन्य हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग, इसके अतिरिक्त हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ भी सैंपलिंग की जा रही है। इसको और प्रभावी बनाने की और बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि केसों को जल्दी डिटेक्ट करके उनको आइसोलेट कर उनको संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।